हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों का तो पेपर भी होगा, फिफ्थ फेब को आपका पेपर है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का 10th फेब को आप लोगों का पेपर है। ठीक है, तो अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी प्रिपरेशन कर चुके होंगे वो मैक्सिमम आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी होगी। आई थिंक आप लोगों का मॉक टेस्ट पेपर वगैरह का चल रहा होगा, आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट के आप 5 डेज और 10 डेज अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, कैसे मैनेज करते हो। तो इस समय में बहुत ही आपको अच्छे से अपना केयर करना होगा। ठीक है, आपको अपनी हेल्थ वाइज केयर करना होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है फिर से जो आप और रिवाइज करने वाले हो उसको केयर करना होगा कि किस वे में रिवीजन कर रहे हो। बहुत सारे लोग के लिए थोड़ा सा आसान नहीं होता, कई बार उन लोगों को लगता है कि रिवीजन में बहुत टाइम लग रहा है, तो आपको रिवीजन का मोड फास्ट करना होगा। ठीक है, मेन चीज़ मैं जो जिस चीज़ के लिए आज के लिए जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने वाला था कि मैं आपको एक मैसेज देना चाहता था कि आप लास्ट मोमेंट पे जब आप पेपर को आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके पेपर का अटेम्प्ट का स्टाइल कैसे होना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना स्टाइल होता है और मैं जनरलाइज नहीं कर सकता कि पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करना चाहिए। बट फिर भी एक मेरे कुछ सजेशन हो सकते हैं आप लोगों के लिए कि पेपर का जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो किस स्टाइल में होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ आपके पास, तो मैं दो पार्ट्स में हमेशा डिवाइड करना चाहूँगा एक पेपर के अटेम्प्ट वाले को, टू टाइप के स्टूडेंट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। पहला आपके पास कि ऐसे लोग जिन लोगों का एप्टीट्यूड अच्छा होता है, तो जिन लोगों का एप्टीट्यूड अच्छा होता है वो एप्टीट्यूड से कई लोग स्टार्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर आपको लगता है कि आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आपका इंग्लिश वाला पार्ट भी अच्छा है एप्टीट्यूड में, तो जो 10 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के हो सकता है आप 15 से 20 मिनट्स एप्टीट्यूड से स्टार्ट करो, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा क्योंकि आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट अच्छा है। तो 10 क्वेश्चन जो आने वाले, अगर सपोज करो 7th और 8th अगर क्वेश्चन बन गए तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाली पोजिशन में आ जाओगे। ठीक है, तो जिन लोगों का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा रहता है तो आप क्या करो, मॉक टेस्ट पेपर में आप हमेशा एप्टीट्यूड ही अटेम्प्ट करो। आपको एक और चीज़ केयर करना है कि हमेशा ऐसा होता है कि हम मॉक टेस्ट पेपर अगर 5 to 10 मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग क्या होता है एग्जाम में जाने के बाद अपना स्टाइल चेंज कर लेते हैं। पूरे मॉक टेस्ट पेपर के ड्यूरेशन में आप क्या कर रहे हो कि एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर रहे हो, और गेट का जब मेन पेपर देने गए उस दिन तो आप एप्टीट्यूड की जगह आप टेक्निकल से स्टार्ट कर दिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कभी भी ना करें, आप हमेशा अपना एक फॉर्म बना के रखे रहे कि आप मॉक टेस्ट पेपर को उसी स्टाइल से दे जिस स्टाइल में आप अपना मेन एग्जाम को आपके पास आप कंडक्ट करने वाले, मेन एग्जाम आप देने वाले। ठीक है, तो मेन एग्जाम को अगर आप चाहते हो कि आप एप्टीट्यूड की स्टाइल से देना चाहते हो तो अपने मॉक टेस्ट पेपर को भी उसी स्टाइल से कीजिए। ठीक, दूसरे वो लोग जो कि जिन लोगों का एप्टीट्यूड उतना अच्छा नहीं रहता, सपोज करो उनका इंग्लिश वाला पार्ट उतना अच्छा नहीं है, तो टेक्निकल वाले सेशन से स्टार्ट करें। क्लियर, अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग टेक्निकल सेशन से स्टार्ट करेंगे, जो टेक्निकल वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, उसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में डिवाइडेड होते हैं क्वेश्चंस। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि 2 मार्क्स वाले से स्टार्ट करो क्योंकि वेटेज 2 मार्क्स का है, तो ओवरऑल आपका मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए पेपर में। तो बट फिर भी मेरा सजेशन है कि 1 मार्क्स से स्टार्ट करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, बट गेट के पेपर में ऐसा भी कई बार देखा गया कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कुछ आसान आ गए और कुछ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन टफ आ गए। ये तो गेट का स्टाइल है, तो ऐसा हो भी सकता, थोड़ा बहुत ऐसे चांसेस देखने को मिलते हैं। बट फिर भी मैं जनरलाइज बात करूँ, 90% जो चीज़ें होती है उसकी अगर मैं बात करूँ, तो आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चन हो सकता है थोड़े से आसान मिले। तो आपको करना क्या चाहिए, 1 मार्क वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना चालू कीजिए, और ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि थोड़े से लेंदी है, जिसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, 2 मिनट 3 मिनट लग सकता है, तो उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ना ले आप। आप हमेशा उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसमें आप 100% श्योर हो, जिसका कैलकुलेशन 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में लेते जाए। तो 1 से लेकर जो 25 आपके पास होंगे टेक्निकल जो सेशन के क्वेश्चन होंगे, उसमें से हो सकता है कि आपको 12, 13 या 15 बन जाए, या कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे तो उनको 20 के ऊपर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन को बहुत ही अच्छे से निकाले, जो टेक्निकल वाला पार्ट होगा आपका 1 से लेकर 25 जो क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क वाले क्वेश्चंस होंगे। और कई बार ये क्वेश्चन बहुत फास्ट अटेम्प्ट होते हैं, इवन कई बार आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते कि इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया है ना। तो याद रखिएगा, आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी आ सकता है। तो कभी भी आप एक बेसिक क्वेश्चन के लिए कभी भी रीजनिंग ना ढूंढे कि ये क्वेश्चन में क्या बात होगी, कई बार इतना ईजी क्वेश्चन रहता है कि क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको आंसर पता चल जाता है। तो आप जबरदस्ती का रीजनिंग ना ढूंढे, ऐसा ना हो कि आप उस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद फिर 2 मार्क्स वाला आप स्टार्ट करें। 2 मार्क्स वाले जब स्टार्ट करें तो अगेन वो सेम स्टाइल आपको फॉलो करना है। क्या स्टाइल फॉलो करना है, आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में बन रहे हैं, 100% श्योरिटी जिन क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस पे आप जाइए, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर आगे बढ़ते जाइएगा। सेकंड चीज है कि जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा था कि टाइम टेकिंग है और कैलकुलेशन पे बेस्ड था, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन हो सकता है, 2 मिनट 3 मिनट का भी कैलकुलेशन हो सकता है, उनको रिव्यू में डालते जाइएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो रिव्यू में आप डालते जाते हैं आपके पास, वो फिर बाद में आप बहुत अच्छे से केयर नहीं करते कुछ लोग, तो कुछ लोग के क्वेश्चन पेपर एंड होने तक रिव्यू में रह जाते। तो आपको एक जगह मार्क करके रख लेना चाहिए कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन रिव्यू, वैसे तो वहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखते रहेगा जो भी आप रिव्यू वाले क्वेश्चन डालोगे, लेकिन फिर भी केयर करना कि उन रिव्यू में से कौन से क्वेश्चन
ज़्यादा आसान है जिसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो रिव्यू वाले क्वेश्चन का केयर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते आप आगे तक बढ़ते गए। अब किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि लगभग सर कितना टाइम तक हमको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मैं ऐसा कोई जनरलाइज टाइम नहीं बता सकता कि इतना होना चाहिए, लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँ तो मैं बोलूँगा कि 90 मिनट्स के अंदर में आपको एक पेपर का एक आइडिया हो जाना चाहिए कि पेपर ईजी है कि पेपर टफ है कि पेपर एक मीडियम लेवल का है। 90 मिनट्स के अंदर, 90 मिनट्स में आपको पेपर के एंड तक पहुंच जाना है। जो भी क्वेश्चन आपसे बनते जा रहा है फास्ट वे में एग्जीक्यूट करते जाए, अगेन जो बनते जा रहा है फास्ट वे में आगे बढ़ते जाए और लास्ट तक पहुंचते जाए। तो अगर 90 मिनट्स या 100 मिनट के आसपास आप अगर क्वेश्चन पेपर के एंड तक पहुंच गए और एक क्वेश्चन पेपर का आपको आइडिया पता चल गया कि क्वेश्चन पेपर का स्टेटस कैसा है, क्वेश्चन पेपर सभी लोगों को कैसा लग रहा होगा, टफ है आसान है जो भी है, तो आप ना अच्छी सिचुएशन में रहेंगे। उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो होगा क्या कि एक बार क्वेश्चन गेट का पेपर जो रहता है आपके पास कि एक बार क्वेश्चन अगर आपको ना चालू होता है तो आपकी क्रिएटिविटी अपने आप ही आ जाती है 3 आवर्स के लिए, क्लियर। तो वो स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चन बनना बहुत जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन का सिलेक्शन एग्जैक्टली वैसा करें जो प्रॉपर आप केयर कर सके, जो 100% आप सियोर हो। कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है जो AIR 1 वाला भी क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया होगा। तो आपका आपका इतना अच्छा फॉर्म होना चाहिए कि क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है। तो आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे गेट के एग्जाम में जिसको अगर आप इग्नोर कर दिए तो आप थोड़ा एडवांटेज में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका टाइम सेव हो गया, आप 10 या 15 सेकंड के अंदर ही पता कर लिए कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बहुत लेंदी क्वेश्चन हो सकता है या आपके रेंज का बाहर का हो सकता है, आपका जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको अपने रेंज का नहीं लग रहा है क्योंकि आपकी जो भी प्रिपरेशन होगी, तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करें। तो अगर आपकी प्रिपरेशन कैसी भी है, एक मीडियम प्रिपरेशन है आपकी या बहुत स्ट्रांगली आप अच्छा प्रिपरेशन करके रखें, कैसी भी आपकी प्रिपरेशन से गेट के एग्जाम के दिन ये बहुत मैटर करता है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर। पेपर इजी हो सकता है, टफ हो सकता है, उस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, कितने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, कितना मिस्टेक्स कम करते हैं, ये बहुत मैटर करेगा आपके स्कोर के लिए, क्लियर। अगर पेपर अगर टफ आ गया और आपके 35 क्वेश्चन अगर सही हो गए तो आपको बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। पेपर बहुत आसान हो गया तो आपको 50 क्वेश्चन सही करना पड़ेंगे। तो आप प्री एज्यूम ना करें। अगर मैं सजेस्ट करूं किसी को कि कोई भी प्री एज्यूम ना करें, कोई बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट कई बार ये एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा 45 क्वेश्चन बन गए, अब मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना है, क्लियर, क्योंकि माइनस मार्किंग होगा। आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने या ना करने से, कम या ज़्यादा अटेम्प्ट करने से माइनस मार्किंग से आप बच नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो माइनस मार्किंग कम हो जाएगा और 55 अटेम्प्ट किए तो माइनस मार्किंग ज़्यादा हो जाएगा। मेरा सजेशन है कि आप अपना बेस्ट दें। अगर आपको 55 बनते हैं तो आप 55 अटेम्प्ट करें, आपको 32 क्वेश्चन बनते हैं तो 32 क्वेश्चन बनाएं, लेकिन आप प्री एज्यूम ना करें कि मेरे को इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले से आप कुछ भी डिसाइड ना करें, क्लियर। आप अपना उस 3 आवर्स को अपना बेस्ट दें। मैक्सिमम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर का स्टाइल कभी कभी टफ आता है। तो मैं देखता हूं बहुत बार ऐसा होता है कि आप पेपर देना स्टार्ट किए, आपसे पहला क्वेश्चन नहीं बना, आपसे दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, आपसे थर्ड क्वेश्चन नहीं बना। तो कई बार स्टूडेंट लोग उस पेपर जब एग्जामिनेशन हॉल में रहते तो आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, क्लियर, आपको पसीना वगैरह आना चालू हो जाएगा, इतना टेंशन होना चालू हो जाएगा कि आपको बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मेंटली स्ट्रांग होना इसलिए जरूरी है कि एक टफ सिचुएशन को हैंडल करते आना चाहिए। जो 3 आवर्स आपका इंपॉर्टेंट टाइम है उसको आपको मैनेज करते आना चाहिए। तो आपको बेस्ट निकालना अपने आप से उस पेपर में। अगर आप 1 ईयर या 2 ईयर की प्रिपरेशन की हो तो उस पेपर में इतनी पॉसिबिलिटी जरूर होगी कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन उस 3 आवर्स में उसको बेस्ट पॉसिबिलिटी को निकालना होगा आपको, क्लियर। तो आप ध्यान रखेंगे तो आपको टफ क्वेश्चन देख के डरने की नीड नहीं है क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन तो बनाना नहीं है। तो टफ क्वेश्चन को इग्नोर करें और आगे बढ़े, क्लियर। तो इस चीज़ का आप केयर करना, ठीक है। तो ऐसा ना हो आपके पास कि आप क्वेश्चन पेपर को देख के एकदम थोड़ा सा परेशान होना चालू हो जाए। क्योंकि मेरे को याद है 2016 में रोहित अग्रवाल जिसका AIR 9 रैंक आया था, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का था, तो उसको स्टार्टिंग के उम्र जब मेरी बात हो रही थी तो बोला कि मेरे को स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन तो बने ही नहीं सर, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन तो ऑर्डर से बने ही नहीं मेरे, ठीक है। लेकिन फिर मैं आगे के क्वेश्चन बनाना चालू किया तो आगे के जो क्वेश्चन थे वो ईजी थे। तो अगर वो 5 से 6 क्वेश्चन को देख के अगर उसको फील होता कि मेरे से तो पेपर बनने वाला नहीं है तो वो अच्छे स्कोर भी नहीं कर पाता, क्लियर। तो आपको पूरे 3 आवर्स तक अपना बेस्ट देना है, जितना आप एफर्ट कर सकते उतना उस पेपर में भी देना है, क्लियर। वो क्रिएटिविटी अपने आप आएगी। आपको बहुत ऐसा वरी नहीं करना है कि मेरे को रिजल्ट याद है कि नहीं, रिजल्ट अपने आप याद आना चालू हो जाते हैं आपसे। अगर 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनना चालू होगा ना तो आपका एक जो माइंड सेटअप है वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में आ जाएगा। तो वही चाहिए रहता है कि एग्जाम में 3 आवर्स में, क्लियर। इसलिए कई लोग जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि उन लोग बहुत अच्छा जानते हैं या उनका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, वो लोग 3 आवर्स को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना जानते हैं, टफ सिचुएशंस को मैनेज करना जानते हैं। जो क्वेश्चन टफ होता है, जो नहीं बनता उनको इग्नोर कर देते, उनसे जो बन सकता उन क्वेश्चन को वहां से लेते। तो आपको बेस्ट परफॉर्म करना है 3 आवर्स में और बेस्ट आपको रिजल्ट निकालना है।
क्लियर। तो हम इसलिए मैं आपको एक जस्ट ये वीडियो बनाया कि आपको एक अच्छा आइडिया रहे कि आप पहले से आप सोचे ना कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, आप पेपर हाउल में पहुँचें उसके बाद आप डिसाइड करें जैसा भी पेपर आ रहा है आपके पास। क्लियर। मैं एक दो वीडियो भी बनाया हूँ जिसमें मैं बोला हूँ रफ सीट का बहुत प्रॉपर यूज करना। क्लियर। रफ सीट में रिव्यू वाली चीज़ों को आप नोट करके रख सकते हो। क्लियर। मेरे को लगता है कि आपको जब आप ऑनलाइन पेपर दोगे तो आपको एक ऑप्शन ऐसा भी मिलता है जिसमें कि आप पूरे पेपर को एक बार में देख सकते हो, पूरा पेपर आप एक बार में देख सकते हो, लेकिन उस समय आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मेरे को लगता है ये वाला ऑप्शन रहता है। तो अगर मैं स्टूडेंट होता तो अगर मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और मेरे को लगता है कि नहीं मैं ठीक पढ़ के रखाऊँ तो मैं तो ऐसा कर सकता था कि 3 या 4 मिनट्स मैं सिर्फ पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने में एक बार देख लेता कि पूरा पेपर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक में मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं जो क्वेश्चन मेरे से बन सकते हैं, या फिर मैं देख लेता कि एक पेपर जो है वो टफ है कि मीडियम लेवल का पेपर है कि बहुत ही आसान सा पेपर है। तो मैं कम से कम 3-4 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता तो 3-4 मिनट्स के अंदर मैं एक अच्छा आइडिया ले लेता, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्लान करता और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेता। बट ये वाला जो स्टाइल है वो एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ये स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है कि पूरे पेपर को एक बार में आप देख ले। मतलब मैं तो कुछ स्टूडेंट के लिए ये भी बोल सकता हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट पेपर अगर दे रहे हो तो आप हर बार पूरा पेपर ओपन कर ले एक बार। क्लियर। जैसे गेट का स्टाइल होता है पूरा पेपर एक बार ओपन करके एक बार फटाफट आपके पास देख ले। क्लियर। वो पीडीएफ फॉर्म बन जाता है तो पूरा क्वेश्चन एक बार में अगर आपको दिख गया तो एक अपने जो रफ सीट रहती है उसमें तुरंत नोट करके रख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि एक ही अटेम्प्ट में बनने वाले। उससे होगा क्या कि आपके 4-5 मिनट निकले सपोज करो, लेकिन उससे ये पता चल गया कि आपके पास सीट में ये चीज मेंशन है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हो, तो आपको ऑलरेडी पहले से आइडिया है कि मेरे को ये 25 क्वेश्चन पता चल चुके हैं, ये 6 ये 8 ये 11 ये लास्ट का क्वेश्चन, आपको पूरा पेपर का आइडिया हो गया। तो आप होगा क्या आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन में जाओगे क्योंकि आप तो पूरा देख चुके हो, तो आपका 4-5 मिनट गया लेकिन आपको पूरे पेपर का एक आइडिया हो गया। तो आप ये ऑप्शन भी ले सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन लेने के लिए आपको पहले से ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा। मॉक टेस्ट पेपर में आप ऐसी प्रैक्टिस एक बार करके देखिए 2-3 पेपर्स में, और आपको लगता है कि नहीं ऐसा कर सकते तो बिल्कुल आप ऐसा अटेम्प्ट कीजिएगा। लेकिन मेरा फिर भी एकदम सजेशन है कि आप वही चीज़ कीजिएगा जो आप मॉक टेस्ट पेपर में कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे न्यू अप्लाई करेंगे तो बहुत टफ होगा। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर में एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हो वहाँ टेक्निकल से स्टार्ट करोगे आपका रिजल्ट में बिल्कुल डिफरेंस दिखेगा। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर में टेक्निकल से स्टार्ट करते हो और वहाँ जाके आप एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर रहे हैं अगेन आप प्रॉब्लम में रहने वाले हो। तो आप चीज़ें वही कीजिएगा जो आप एक रूटीन में करते आ रहे हो, लास्ट 3-4 डेज से आप जो चीज़ परफॉर्म करते आ रहे हो उसी चीज़ को कैरी करना। क्लियर। तो लास्ट अटेम्प्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है और आपको पता है कि हमेशा किसी भी चीज़ का जो एग्जीक्यूशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। तो पूरा का पूरा 3 आवर्स डिसाइड करेगा जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है, जितना आपका स्टाइल है, कितने अच्छे से आप क्वेश्चंस को लेते हो, क्योंकि गेट का क्वेश्चन इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, लेकिन गेट का एक नया क्वेश्चन आने वाला है तो वो आपकी क्रिएटिविटी चेक करने वाला है। क्लियर। नो डाउट आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा वो पेपर, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं हम लोग इतने अच्छे फॉर्म में। एक आईटी वाले प्रोफेसर अगर क्वेश्चन फ्रेम करता है तो वो बहुत प्लान करता है कि आपके माइंड सेटअप के साथ खेलना भी है। तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहो, बिल्कुल ज़्यादा वरी मत करो, जितना आप पढ़े हो उतना पढ़ के आप जाओ। लास्ट मोमेंट में बहुत सारे कंटेंट्स मत पढ़ो, अब हो चुका है जितना पढ़ना था। लास्ट 10 डेज में आप रिवाइज करो, या लास्ट 5 डेज बचा होगा आपके पास आईएन वालों के लिए, तो लास्ट मोमेंट पे आप सिर्फ रिवाइज करो और अपने पे बिलीव करो, क्योंकि अब आप चेंज नहीं कर सकते। जो आप प्रिपेयर किए हो उसी को बेस्ट देने का ट्राई करो। क्लियर। और वरी करने का नीड नहीं है कि मैं 1 ईयर से इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं किया या लास्ट के 3 मंथ मेरे खराब हो गए, ये सब के बारे में सोचने की नीड नहीं है। पेपर देने के बाद सोचना जो भी होगा, लेकिन अभी तो आप अपना पूरा का पूरा एफर्ट क्या करो, पूरा पेपर में 3 आवर्स से मैक्सिमम चीजें आप एक्सट्रैक्ट करो कि जितना मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर होने के बाद आपका जो स्कोर आता है वही डिसाइडिंग होता है। लोग ये नहीं पूछते कि आपको कितना नॉलेज है, लोग ये बात नहीं करेंगे आपके पास कि आपको आता था लेकिन पेपर नहीं बना, इसका आप किसी को आंसर नहीं दे पाएंगे। ओवरऑल इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितना स्कोर करते हैं वही चीज सब लोग देखने वाले, वही फैमिली देखने वाली, वही सोसाइटी देखने वाली है। तो आपको एनी हाउ आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा उसी 3 आवर्स में। ठीक है। तो आप उन 3 आवर्स के बारे में अच्छे से केयर करें। तो जितने लोग मॉक टेस्ट पेपर बहुत सीरियसली दे रहे होंगे, 3 आवर्स बैठ के दे रहे होंगे, तो मेरे को लगता है कि मिनिमम सबको 5 मॉक टेस्ट पेपर तो देना चाहिए। कोई 10 दे दिया, कोई 15 दे दिया, कोई 20 दे दिया, वो उसको अपना इंडिविजुअल एडवांटेज है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को मिनिमम 5 मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका एक माइंड सेटअप बहुत अच्छा बन सके एक पेपर हॉल एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप अपने से बेस्ट निकाल सके चीज़ों को। ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी क्वेश्चन को 10 मिनट दे दिए। कोई भी क्वेश्चन 3 मिनट्स या 4 मिनट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन 5 मिनट को क्रॉस कर रहा है तो आप बिल्कुल उस क्वेश्चन से बाहर निकल जाइए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पूरे पेपर को इफेक्ट कर सकते हैं, आपका स्कोर चेंज हो सकता है। तो आप किसी भी क्वेश्चन में 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग रहा है बिल्कुल टाइम देने की नीड नहीं है। आप एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर निकलोगे तब जरूर उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको बेस्ट अपना स्कोर निकालना है। ठीक है। तो केयर कीजिएगा आपके पास कि आपका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, उस लास्ट अटेम्प्ट को आप बेस्ट परफॉर्म करें। क्लियर। तो
अब आपको लगभग आपको तो आइडिया है कि कैसे करना है करके, है ना। तो ऐसा भी नहीं आप इतना अगर आप लास्ट प्रिपरेशन अगर कर रहे होंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया तो हो गया क्लियर। 1 ईयर या 2 ईयर की प्रिपरेशन से तो आपको खुद भी एक आइडिया है कि इंजीनियर्स को एक अच्छा आइडिया तो होता है कि उसको कैसे अपना अटेम्प्ट करना है। लेकिन मेरे को लगा कि कुछ सजेशन आपको देना चाहिए तो मैं सजेशन दिया, ठीक है। तो फाइनली फिर आपको, अब ये मेरा लास्ट मैसेज है आपके एग्जाम के पहले, तो मैं चाहूँगा कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें, फिर एग्जाम के बाद हम मिलेंगे, क्लियर। आपके पेपर, जो आपका पेपर होगा क्वेश्चन पेपर, उसमें हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे, मैं हम लोग ट्राई करेंगे हमारी टीम के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, क्लियर। आप क्वेश्चन वगैरह मिलने के बाद आप क्वेश्चन वगैरह पोस्ट वगैरह करेंगे, क्लियर, तो मैं एक आधी वीडियो उस समय बनाऊंगा कि आप क्वेश्चन वगैरह इस मेल आईडी पे क्वेश्चन वगैरह आप पोस्ट कर दीजिए, तो हम उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको एज सुन एज पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, क्लियर, वीडियो सॉल्यूशन और आपके पास पेपर का जो सॉल्यूशन है टेक्स्ट फॉर्म में वो भी सब प्रोवाइड कर सके। तो हम और भी अच्छा ट्राई करेंगे कि जितना अच्छा आपके लिए कर सके, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना बेस्ट दें, क्लियर। तो आपको 2018 का एग्जाम जितना बेस्ट पॉसिबिलिटी है अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट जो 3 आवर्स होगा वो 3 आवर्स आपको देना है, उसमें कुछ कमी मत रखना और मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना, ठीक है। तो फाइनली ऑल द बेस्ट, 2018 आप सुपर परफॉर्म करें, थैंक यू।